हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का एक और नया टॉपिक देख रहे हैं, जो कि है प्रिंट कम्स टू यूरोप, यानी कि अब यूरोप में प्रिंट कैसे आया उसके बारे में हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। तो सिल्क रूट से क्या होता था, जो सिल्क और स्पाइसेस जो थे चाइना से, वो आते थे यूरोप में। ठीक है, सिल्क रूट एक ट्रेड करने का रूट बोल सकते हैं, रोड बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, तो सिल्क रूट से चाइना जो था वो क्या क्या भेजता था, सिल्क और स्पाइसेस भेजता था यूरोप में। इन द 11th सेंचुरी में क्या हुआ, चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप। तो चाइना का जो पेपर था ना, वो भी यूरोप तक पहुंचा। तो जब पेपर पहुंचा तो वहाँ पर क्या हुआ, मैन्यूस्क्रिप्ट बनना चालू हुए, प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ। मैन्यूस्क्रिप्ट वो होता है जो हैंड रिटन होता है, मैनुअली रिटन होता है, यानी कि कोई लोग जो होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो अपने हाथों से लिखते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी पोएम्स हो या सॉन्ग हो या कहानियाँ हो, कुछ भी हो, तो मैन्यूस्क्रिप्ट वो होता है जो मैनुअली लिखा जाता है। ठीक है, रिटन बाय स्क्राइब्स, स्क्राइब्स यानी कि जो राइटर्स होते थे ना, प्रोफेशनल राइटर्स, वो ठीक है, जिनको लिखना आता था, पढ़ना आता था। ठीक है, देन इन 1295 मार्को पोलो अ ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न टू इटली आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। तो क्या हुआ कि एक थे मार्को पोलो, जो कि एक एक्सप्लोरर थे, यानी कि वो मतलब जगह जगह जाकर घूमते थे, पता करते थे, ठीक है, सब चीज़। तो वही चाइना गए थे कितने दिन, बहुत सालों के लिए चाइना गए थे, और वहाँ से जब वो रिटर्न आए, तब वो चाइना का जो वुड ब्लॉक वाला प्रिंटिंग था, वो आइडिया लेकर आए यूरोप में। ठीक है, तो चाइना का तो मैंने बता दिया, अगर नहीं है तो देख लेना वो वीडियो। तो चाइना का जो प्रिंटिंग मेथड था, वो लेकर आए मार्को पोलो यूरोप में। ठीक है, ब्रॉड द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग विद हिम। नाउ इटालियंस बिगिन प्रोड्यूसिंग बुक्स। अब इटालियंस जो थे वहाँ पर यूरोप में, जो इटालियंस थे, वो क्या किए, प्रोड्यूस करना चालू कर दिए बुक्स। ठीक है, किससे, वुड ब्लॉक से। एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो वुड ब्लॉक का टेक्नोलॉजी था, पूरे यूरोप में फैल गया। लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम मीन्ड फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स एंड रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज। लेकिन जो लग्जरी एडिशंस होते थे, ठीक है, यानी कि जो कुछ लोगों के लिए, जो हायर कास्ट वाले, जो हायर स्टैंडर्ड वाले लोग होते थे, राजा महाराजा लोग, ठीक है, उनकी लाइब्रेरीज़ के लिए ये एरिस्टोक्रेटिक, यानी कि नोबेल फैमिली से रिलेटेड लोगों के लिए जो लग्जरी बुक्स होते थे, वो अभी भी क्या होता था, वेलम में लिखा जाता था। वेलम में लिखा जाता था, यानी वेलम क्या होता है, जो एनिमल्स के स्किन से पेज टाइप का बनाया रहता है, उसको बोलते हैं वेलम। ठीक है, मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स बॉट द चीपर प्रिंटेड कॉपीज। लेकिन जो मर्चेंट थे, यानी कि जो बिजनेस मैन थे, और जो स्टूडेंट्स थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग प्रिंटेड कॉपीज़ खरीदते थे, क्योंकि वो सस्ती होती थी। और जो लग्जरियस एडिशन होता था ना, जो हैंड रिटन होता था, वो और वो वेलम में लिखा जाता था, वो क्या, वो जो थे, वो हायर क्लास लोगों के लिए बनाया जाता था। एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, जैसे ही डिमांड बढ़ने लगा, तो बुक सेलर ऑल ओवर यूरोप बिगेन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज। तो बुक सेलर जो थे यूरोप में, वो एक्सपोर्ट करना चालू कर दिए बुक्स को अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में। ठीक है, बुक फेयर्स, यानी कि बुक का जो मेला होता है, वो ऑर्गेनाइज किया गया अलग अलग जगह। ठीक है, production of handwritten manuscript was also organized in new ways to meet the expanded demand. तो साथ साथ में जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट थे ना, उसका भी उसका भी डिमांड जो था फुलफिल करने के लिए, उसके भी बहुत सारे चीज़ ऑर्गेनाइज किया जाता था। ठीक है, यानी कि वहाँ पर हैंड प्रिंटिंग भी चल रहा था, वहाँ पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी चल रहा था। ठीक है, क्योंकि बुक का डिमांड बढ़ गया था, तो यानी कि दोनों से वो लोग बुक प्रोड्यूस कर रहे थे। स्क्राइब्स एंड स्किल्ड राइटर्स वर नो लॉन्गर सोल्ली एम्प्लॉयड बाय वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पैट्रॉन्स बट इंक्रीजिंगली बाय बुक सेलर एज वेल। तो क्या हुआ, जो स्क्राइब्स थे, यानी कि जो स्किल्ड हैंड राइटर्स थे, जो लिखते थे, वो अब एम्प्लॉयड होने लगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। किससे मिलने लगा,
जो पैसे वाले वो थे, वेल्दी लोग थे, उनसे पेट्रॉन्स यानी कि जो स्पॉन्सरशिप, जो पैसा फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं उनको बोलते हैं पेट्रॉन्स, वो लोग एम्प्लॉय करने लगे इन लोग को, ठीक है। और साथ साथ और कौन करने लगा, जो बुक सेलर्स होते थे वो लोग भी एम्प्लॉयमेंट इन लोग को देने लगे, ठीक है। आगे देखते हैं। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई, लेकिन क्या हुआ, हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट जो था वो, उससे जो डिमांड थी बुक्स की वो बढ़ती जा रही थी, तो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हैंड रिटन वाला जो होता था वो बहुत स्लो प्रोसेस होता था, वो जल्दी जल्दी प्रोडक्शन नहीं होता था उसमें, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि डिमांड जो थी बुक की वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। कॉपिंग वॉज एन एक्सपेंसिव लेबरस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस, तो ये जो मैनुस्क्रिप्ट लिखने का काम था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था, लेबोरियस हो जाता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का होता था और टाइम भी कंज्यूम करता था। तो क्या हुआ, मैन्युस्क्रिप्ट वर, और एक क्या था इसका ड्रॉबैक कि मैन्युस्क्रिप्ट जो थे ना वो फ्रेजाइल थे, फ्रेजाइल इनकी बहुत ही नाजुक बोल सकते हैं कि जल्दी फट जाना, जल्दी ख़राब हो जाना, ठीक है, ऑकवर्ड टू हैंडल, जिसको हैंडल नहीं कर पाते थे लोग ज़्यादा देर एंड, और बहुत दूर तक कैरी इसको नहीं कर सकते थे, कैरी करके रीड नहीं कर सकते थे, है ना, तो उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता था। देयर सर्कुलेशन देयरफॉर रिमेन लिमिटेड, तो इसके वजह से क्या हुआ कि वो ज़्यादा जगह मैन्युस्क्रिप्ट जो था वो ज़्यादा जगहों तक कैरीड नहीं हो पाया, आगे नहीं जा पाया। विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो था वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है। By the early 15th century, wood blocks were being used in Europe to print textile. अब क्या हुआ, 15th century में wood blocks जो थे वो textile यानी कि कपड़े print करने के लिए use होने लगे, print playing card के लिए use होने लगे और religious picture वो लोग बनाने लगे, ठीक है, print करके। There was clearly a great need for even quicker and cheaper reproduction of text. तो अब क्या था, बहुत ज़्यादा ज़रूरत था कि जल्दी 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 टेक्स्ट को प्रोडक्शन हो, जल्दी जल्दी बुक्स का रिप्रोडक्शन हो, ठीक है। तो ये कैसे हो पाता, दिस कुड ओनली बी अचीव विद द इन्वेंशन ऑफ ए न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए कोई न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन बहुत ज़रूरी था। तो एक ब्रेक थ्रू यानी कि एक सडन एडवांस चेंज कब आया, जब स्ट्रैसबर्ग से जो जर्मनी, स्ट्रैसबर्ग जर्मनी से जोहान गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, ठीक है, वो जर्मनी से थे, स्ट्रैसबर्ग से, ठीक है। तो जब इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया सबसे फर्स्ट 1430s में, तब जाके प्रिंटिंग कल्चर में एक नया चेंज आया, नया एडवांस मेथड आया, ठीक है। ये थे मार्को पोलो, जो एक्सप्लोरर थे, जो चाइना से लेकर आए थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। ये है, देखो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। ये है जोहान्स गुटेनबर्ग, जिन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाया, ये जर्मनी के थे। तो गाइस, आई होप आपको ये भी टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे गुटेनबर्ग ने क्या बनाया, कैसा मशीन बनाया और वो कैसे काम करता था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।